नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे नहाने के महत्व के बारे में। जरूरी नहीं है कि इन बातों का प्रभाव औरत पर ही पड़े, क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार संसार के हर मनुष्य के जीवन में नहाने का महत्व होता है। सही समय पर नहाने से हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में हम ये सारी जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जिस तरह हेल्दी रहने के लिए समय पर भोजन करना जरूरी है, उसी तरह सही समय पर नहाना भी चाहिए। हेल्दी रूटीन हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने और नहाने तक का एक टाइम फिक्स होना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम वास्तु के अनुसार किस समय पर नहाना उचित होता है इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दिन की शुरुआत यदि नहाने के साथ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि आप उन लोगों में से हैं जो बेड टी पीने के बाद अखबार पढ़ते हैं और नहाने के बारे में सोच कर सुबह के 8 बजा लेते हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये आदत अनजाने में आपका नुकसान करवा रही है। दरअसल शास्त्रों में नित्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों मुनि स्नान, ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पूर्व ही 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है। इस दौरान स्नान करने वाले जातक के घर में सुख शांति समृद्धि विद्या बल आरोग्य चेतना सदैव बनी रहती है। दोस्तों दूसरा है देव स्नान। यह स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच में किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले जातक के जीवन में यश कीर्ति धन वैभव सुख शांति संतोष का हमेशा वास बना रहता है। दोस्तों तीसरा है मानव स्नान। यह स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वाले को काम में सफलता अच्छा भाग्य अच्छे कर्मों की सूझता मिलती है, साथ ही परिवार में एकता भी बनी रहती है। दोस्तों अब है राक्षसी स्नान। यह स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यह स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वाले के घर में दरिद्रता हानि कलेश धन हानि परेशानी ये सभी आती है। इसी के साथ दोस्तों नंबर 1 घर की स्वच्छता का रखें खास ख्याल। वैसे तो सभी अपने घरों को साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में दिखने वाली सफाई से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखें, लेकिन दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखें कि सफाई करने के बाद स्नान अवश्य कर लें। नंबर 2 सुबह जल्दी करें स्नान। दोस्तों महिलाओं को सुबह स्वच्छ होकर ही रसोई में जाना चाहिए, इसलिए आपको सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार 8 बजे से पहले स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है, लेकिन किसी कारणवश आप लेट हो जाएं तो स्नान में तो दोपहर 12 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए तो ही स्नान का फल मिलता है। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आ जाता है। ये स्नान का आपको फल नहीं मिलता, बल्कि इससे आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव होता है। इसी के साथ नहाने के पानी में ये उपाय कर लें तो बहुत ही शुभ होता है। नहाते समय एक चुटकी नमक डालने से आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 3 खाना खाने से पहले नहाना। कहते हैं शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी भोजन से मिलती है और वास्तु भी यही कहते हैं। इसके अलावा वास्तु के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। इससे यही खाना आपके लिए ज्यादा पोषक भरा रहेगा। दोस्तों नंबर 4 खाने से पहले भोग लगाना। कहते हैं खाना खाने से पहले भोजन भगवान गाय और कुत्ते को करवाना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में भी शांति बनी रहती है। दोस्तों नंबर 5 सूर्यास्त के बाद कंघा करना। अक्सर महिलाओं को देखा होगा कि कभी भी किसी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती हैं, और वैसे भी पार्टी और शादी या फिर कोई भी कार्यक्रम हमेशा शाम को या रात को ही होते हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे ज्यादा अपने बालों पर ध्यान देती हैं, जबकि वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों का कंघा करना सही नहीं माना जाता। शाम के समय कंघा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।
चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा करना। घर की शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कि घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना अति आवश्यक माना जाता है। वैसे भी शांति रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं का शांत और खुश रहना अति आवश्यक है। और वैसे भी बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। खासकर महिलाओं को बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैला देता है। दोस्तों, अब इसी के साथ हम जानेंगे ऐसे 5 काम जो अक्सर घरों में होते हैं। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के समय हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष में बताया जाता है कि आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो जाते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते, और तो और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज हो जाते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपका ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज हो जाते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और करियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रखाएं। भूल कर भी खाली बाल्टी को सीधा ना रख कर आएं, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नंबर 4, नहाने के बाद ना करें ये कार्य। अगर आपको कपड़े साफ करने हैं तो भूल कर भी स्नान के बाद कपड़े ना साफ करें। कपड़े धोने हैं तो स्नान करने से पहले ही उन्हें धो लें और उसके बाद नहाएं। नहाने के बाद कपड़े धोना सही आदत की श्रेणी में नहीं आता। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, गीले कपड़े ना छोड़े। कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।